नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सभी मनोकामना और इच्छाओं को पूर्ण करें और आपको सेहतमंद रखें। तो देखिए, आज आपके सामने एक नए वीडियो लेकर हाजिर हैं, एक नए पाम को लेकर। इस पाम को आज हम रीड करने वाले हैं और व्यक्ति की उम्र जो है 29 के आसपास हो चुकी है। मैरिज से रिलेटेड क्वेश्चंस और अपने भविष्य को लेकर क्वेश्चंस हैं, तो आप भी अपना हाथ जरूर बढ़वाएं, हमारे साथ जरूर संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए इस हाथ को पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फिंगर से, उसके बाद माउंट्स को चेक करेंगे, सबसे आखिर में हम लाइनों को चेक करेंगे। इस तरह पूरी प्रिडिक्शन को हम कम्प्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपनी स्क्रीन पर जो हाथ देख पा रहे हैं उसकी जो शेप है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो पूरा यहाँ पर स्क्वायरिश बन रही है। तो मेहनत करने में व्यक्ति घबराता नहीं है, मेहनती है, मतलब हार्ड वर्किंग नेचर यहाँ पर शो हो रहा है। और ये शो हो रहा है कि इस क्वालिटी से आगे भी बढ़ेगा, जा तक जो मेहनत करने की क्वालिटी है इससे आगे बढ़ेगा, आलस्य ज़्यादा नहीं है। ठीक है, फिंगर्स भी ठीक है, फिंगर्स की लेंथ आपको देखिए ठीक है, ज़्यादा बड़ी ना छोटी, मीडियम साइज़ की फिंगर्स यहाँ पर हैं। तो कभी कभी निर्णय लेने में थोड़ा जल्दबाजी व्यक्ति करता है। ठीक है, फिंगर्स में हल्का हल्का आपको गैप देखने को मिल रहा है, जो बताता है कि पैसे की जो टिकट की क्षमता है हाथ में कम है, खर्च अधिक होता है, बचता कम है, मतलब पैसा आता है जाता है, मतलब रुकता नहीं है। तो ये सिचुएशन हाथ में नज़र आ रही है। ठीक है, अगर मैं फिंगर्स की लेंथ की बात करूं तो आपको गुरु की फिंगर और यहाँ पर सूर्य की फिंगर दोनों इक्वल हैं बिल्कुल, तो यहाँ पर मिक्स क्वालिटीज़ नज़र आ रही हैं। ठीक है, मतलब लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हैं और मिक्स क्वालिटी, मतलब दोनों क्वालिटीज़ हैं, सभी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ हैं, सभी मिक्स क्वालिटी इनके अंदर हैं। और ऐसे जहाँ तक भाग्य उदय थोड़ा सा लेट होता है, 32वें 33वें वर्ष में, मतलब 30 के बाद जो है भाग्य उदय होने की पॉसिबिलिटीज़ होती है। किस्मत चमकने या किस्मत का साथ मिलना जो है 32 के बाद से स्टार्ट होना चालू होता है, तो ये देखने को आ रहा है। ठीक है, शनि की फिंगर ठीक है, ज़्यादा लंबी नहीं है, मीडियम साइज़ की फिंगर है, तो पैसा भी ठीक ठाक रहेगा, कुछ ज़्यादा है हमें डोमेस्टिक चेंज नहीं आएगा, लेकिन पैसा जो है एवरेज रहेगा। जीवन में जीवन चालन के लिए पैसा अधिक यहाँ पर चीज़ें रहेंगी। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर बुध फिंगर की बात करूँ तो बुध फिंगर जो है फर्स्ट विलर से थोड़ा सा नीचे रह रही है, थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल में कमी आएगी और कभी कभी बात करने में थोड़ा सा व्यक्ति शर्माता भी है, या फिर हम कह सकते हैं कि अपनी बात को अच्छी तरह ना व्यक्त कर पाना, मतलब आगे किसी के आगे ना रख पाना अच्छी तरह, तो ये थोड़ी सी कमी, हल्की सी कमी, ज़्यादा कमी नहीं, लेकिन कभी कभी कमी ये देखने को आएगी। ठीक है, थंब की बात करें तो थंब जो है ठीक है, ज़्यादा स्टिफ नहीं है और ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है, ठीक है थंब। और लेकिन यहाँ पर जो यब का सिंबल आपको यहाँ पर, अगर मैं जूम करके दिखाऊँ, यहाँ पर जो आपको यब का सिंबल दिखेगा, यहाँ भी ये खुला हुआ है, यहाँ से देखिए, यहाँ से खुला हुआ है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि पैसा आएगा लेकिन जाएगा, टिकेगा नहीं, पैसा जो टिकने की क्षमता है वो कम हो जाती है। ठीक है, थोड़ी सिक्स सेंस भी जो है ठीक ठाक रहेगी, ऐसी नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो पैसों से रिलेटेड जो दिखते हैं कमी नहीं है, लेकिन खर्च ज़्यादा है। ठीक है, चलिए आगे हम माउंट्स को देखते हैं। माउंट्स यहाँ पर क्या शो कर रहे हैं? पहले आप यहाँ पर गुरु पर्वत को देखें, गुरु पर्वत को जो स्पेस जो है एवरेज मिल रही है, ज़्यादा स्पेस यहाँ पर जो है नहीं मिल पा रही है, क्योंकि ये लेडी का पाम है, तो लेडी के पाम के लिए हम ज़्यादातर जो है फिंगर्स देखते हैं, ज़्यादातर हमारा फोकस जो होता है गुरु पर्वत पर रहता है। तो वैवाहिक जीवन में ठीक ठाक रहेगा, एवरेज वैवाहिक जीवन, और कोई ज़्यादा यहाँ पर चेंज नहीं आने वाला। बहुत बड़ा एक वल्य आपको बनता हुआ दिखेगा जो काफ़ी अच्छा है, और ऐसे जहाँ तक अगर धार्मिक होता है, धर्म से जुड़ाव काफ़ी होता है, जो भगवान को मानने वाला होता है, भगवान में भक्ति काफ़ी रखती है, मतलब कह सकते हैं कि भगवान को एक तरह का मानने वाला इंसान होता है, धार्मिक होता है। ठीक है, ऐसे जातक कहते हैं दया भावना काफ़ी ज़्यादा होती है, दूसरों का बुरा करना ऐसे व्यक्ति सोच भी नहीं सकता, जानवरों से प्रेम होता है ऐसे व्यक्ति को, तो ये क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी यहाँ पर दिखने को मिल रही हैं। ठीक है, अगर ऐसे जातक जैसे यहाँ पर पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, मतलब जो ऐसे फील्ड हैं जहाँ पर जो
आउट जो ऑक्टल साइंस है, जो हमारा जो बाहरी ज्ञान है उसमें अगर जुड़े तो उसमें से काफ़ी सक्सेस ऐसे जातक को मिलती है, ठीक है। तो उस फील्ड में अगर से ये प्रयास करें तो काफ़ी अच्छी सक्सेस मिलेगी। धार्मिक यहाँ प्रवृत्ति हाथ में नज़र आ रही है, तो इसी वजह से जो है हम कह सकते हैं दया भावना नेचर काफ़ी अच्छा दिखता है। तो दूसरों से प्रेम करना ऐसे जातक की फितर में रहता है, हमेशा वो चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो गुरु पर्वत काफ़ी अच्छे इस फील्ड के चलते और इस बात के चलते काफ़ी अच्छे यहाँ पर गुरु पर्वत दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन वैवाहिक जीवन से जुड़ के देखें तो विवाह एवरेज रहेगा। अगर हम आगे चलकर शनि पर्वत को देखते हैं, शनि पर्वत जो आपको दिखें ये थोड़े से फ्लैट साइज में है, फ्लैट नहीं कहूँगा मैं, हल्के से दबे हुए हैं। तो ये शनि पर्वत अच्छे होते हैं, जहाँ पर शनि पर्वत फ्लैट हो जाए तो वहाँ पर अच्छे फल देंगे, ठीक है। क्योंकि भाग्य रेखा भी आपको यहाँ पर शनि पर्वत तक पहुँचती हुई दिखेगी। तो बाद में जैसे मैंने आपको बताया किस्मत साथ काफ़ी अच्छा देगी, जब इनका 30 के बाद पीरियड जब शुरू होगा लाइफ का, एक्चुअल में जो असली पीरियड चालू होगा उसमें काफ़ी अच्छी सक्सेस इनको देखने को मिलेगी, ठीक है, ये दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर सूर्य पर्वत की बात करूँ तो यहाँ पर दोष नज़र आ रहा है। सूर्य पर्वत यहाँ पर हल्के से आपको दबे हुए नज़र आएंगे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जातक को बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ेगा अपने मान और सम्मान को पाने के लिए, या फिर सोसाइटी में अपना नाम बनाने के लिए थोड़ा सा अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है। तो ये देखने को आ रहा है, ठीक है। हल्का सा आपको यहाँ पर दिखेंगे कि ये दबाव इसके ऊपर है, इसके ऊपर सूर्य रेखा तो बन रही है, देखिए आपको यहाँ पर दिखेगा सूर्य रेखा, यहाँ से चलकर यहाँ पर सूर्य रेखा बन रही है। और हल्का सा देखिए हृदय रेखा से एक रेखा निकलकर यहाँ पर जो है इनके सूर्य पर्वत से जुड़ रही है। तो ये जो है लव मैरिज के चांसेस को व्यक्त करता है। अगर लव मैरिज हुई तो पॉसिबल हो जाएगी, क्योंकि लव मैरिज की इंडिकेशन ऐसे साइन से नज़र आते हैं, तो उसके लिए हमें पूरा हाथ पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से जो है 10% पॉसिबिलिटीज़ हैं कि लव मैरिज हो जाए, क्योंकि यहाँ से कोई रेखा निकल कर सूर्य पर्वत पर जुड़ रही है। सूर्य पर्वत ठीक है, यहाँ पर जो सूर्य रेखा है एक्चुअल में आपको यहाँ पर जो चलती हुई दिखेगी, ये कह सकते हैं कि 35 के बाद से शुरू हो, 38वें वर्ष में ये प्रोमिनेंट हो रही है, फिर वहाँ से शुरू हो रही है। तो ऐसा जातक जो है हम कह सकते हैं कि काफ़ी बातों को छुपाता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खुल जाता है किसी के सामने, अपनी बातों को काफ़ी ज़्यादा छुपाता है। एक तरह का हम कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई काम इन्होंने फिक्स किया है कि मैं ये काम करूंगी, ये ढिंढोरा नहीं पीटते कि मैं हाँ हाँ कर दूंगी, जब पूरा होगा तभी लोगों को मालूम चल सकेगा, ऐसी फितरत ऐसी रहती है। तो काफ़ी अच्छी साइन है। तो कुल मिला के अच्छे फल जो है इनको 35 के बाद ही नज़र आएंगे, ठीक है। बुध पर्वत आपको दिखेगा, बुध पर्वत के ऊपर जो है ठीक है, इसके ऊपर जो है बुध पर्वत है थोड़ा सा नीचे जगह शिफ्ट हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया हल्का शर्मीलापन सता सकता है, शर्मीलापन परेशान कर सकता है। और हल्का सा आपको जो है बुध पर्वत यहाँ पर सूर्य की तरफ शिफ्ट होते हुए नज़र आएंगे। तो मैंने आपको बताया कि अगर ऐसे साइन आपको नज़र आए तो कर्ज वगैरह लेने में थोड़ा सा आपको सतर्क रहना चाहिए, ऐसी काम में आप ना फंसें, लोन वगैरह लेने के चक्कर में ना फंसा करें, या फिर हम कह सकते हैं क्योंकि हम चीज़ों को पढ़ते हैं तो आगे के लिए प्रेडिक्शन करते हैं, तो ऐसे चीज़ों में ना फंसें, ऐसे चीज़ों में आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं इनके शुक्र पर्वत को। तो शुक्र पर्वत हल्के से आपको दबे हुए नज़र आएंगे, हल्के से, ज़्यादा दबे हुए नहीं, इनको स्पेस काफ़ी अधिक मिल रही है, ठीक है। तो ये देखने को आया है कि हालांकि स्टार्टिंग में स्ट्रगल वो रहेगा, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें सुधरती जाएंगी, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी खड़ी लाइनें आपको दिखेंगी। तो काफ़ी अच्छे जो है इनको मौके जीवन में मिलेंगे अपने प्रोफेशन को सेट करने के लिए, अपने कामकाज को सेट करने के लिए। जीवन में कभी कभी मौके हमेशा मिलते रहेंगे, ठीक है। तो ये देखने को आ रहा है। तो अच्छा खासा माउंट है, तो अच्छी चीज़ें हो जाएंगी धीरे धीरे, और थोड़ा सा आप सब्र रखें, लेकिन उसके बाद चीज़ें आपके लिए अच्छी आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर जो अगर देखें आप यहाँ पर चंद्र पर्वत को, तो चंद्र पर्वत जो है कह सकते हैं कि ठीक है, चंद्र पर्वत इतना दबे हुए नहीं है। इनके ऊपर फॉरेन ट्रैवलिंग की लाइनें काफ़ी ज़्यादा हैं, फॉरेन सेटलमेंट के योग भी काफ़ी अच्छे बन रहे हैं, क्योंकि कुछ लाइनें आपको यहाँ पर दिखेंगी इनके भाग्य रेखा से जाकर जुड़ रही हैं चंद्र पर्वत से निकल कर। तो ट्रैवलिंग भी रहेगी, फॉरेन सेटलमेंट के योग काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ से लाइनें काफ़ी इंडिकेट करती है कि फॉरेन ये चली जाएँ या बस जाएँ, या फिर फॉरेन की यात्राएँ हो जीवन में, ठीक है। ये चांसेस हाथ में शुक्र चंद्र पर्वत से ये नज़र आ रहे हैं, ठीक है।
चलिए आगे आप देखते हैं लाइनों को, लाइनें यहाँ पर क्या बता रही हैं। यहाँ से आप देखें यहाँ पर इनकी जीवन रेखा को, जीवन रेखा भी यही इंडिकेट कर रही है। जीवन रेखा का जो फ्लो है कुछ ऐसा है, मतलब शुक्र पर्वत से या फिर आप मंगल क्षेत्र से जो है इसको काफ़ी स्पेस मिल रही है, मतलब थोड़ा सा दूर होकर चल रही है। तो ये इससे ये इंडिकेशन नज़र आ रहा है कि जीवन जो है, जीवन में जो पैसा कमाने के लिए व्यक्ति घर से दूर जाएगा या फिर नौकरी करने के लिए घर से दूर रहेगा, हम कह सकते हैं परिवार से दूर रहेगा, तो ऐसी सिचुएशन हाथ से नज़र आ रही है। और ये फॉरेन ट्रैवलिंग के भी चांसेस है कि अपने देश से दूर जाए, अपने परिवार से दूर जाए, या फिर हम कह सकते हैं कि अपने जीवन व्यापन के लिए, जीवन को जीने के लिए, नौकरी करने के लिए घर से दूर ही रहेगा, उसमें ही उसकी तरक्की है। तो ये हाथ में नज़र आ रहा है जीवन रेखा से। जीवन रेखा देखिए यहाँ से तो ठीक थी, यहाँ तक तो ठीक थी, और यहाँ पर एक यव का निशान आपको छोटा सा बनता हुआ दिखेगा जो किसी बीमारी का कारण बन सकता है। और ये जो एज बन रही है, कम से कम मान के चलें कि 45 से 47 की एज बन रही है, उसमें कोई ऐसी गंभीर बीमारी हो सकती है जिसकी वजह से जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाए या फिर हेल्थ थोड़ी सी डाउन चली जाए, क्योंकि उसके बाद जो है थोड़ा सा फ्लो है जो लाइन का हो कम हुआ है, उसके बाद से जो चीज़ें हैं इनके लिए थोड़ी सी हेल्थ वाइज जो है थोड़ी डिस्टर्ब इनको कर सकती हैं। ठीक है, अगर मैं प्रोग्रेशन की बात करूं तो लाइन थोड़ी सी क्लियर नहीं नज़र आ रही यहाँ से, मैं थोड़ा सा अलग पिक्चर दिखूंगा, अलग पिक्चर में हम देखेंगे यहाँ इस पिक्चर में आपको ध्यान से मालूम चल सकेगा। देखिए यहाँ से देखिए यहाँ से इसे इसका फ्लो थोड़ा सा कम आपको दिखेगा जैसे अगली पिक्चर में दिखा था। और यहाँ पर भी फॉरन ट्रैवलिंग की लाइनें काफ़ी ज़्यादा हैं। देखिए यहाँ से एक लाइन नीचे गई, यहाँ से एक रेखा नीचे गई, तो काफ़ी अच्छे फॉरेन ट्रैवलिंग और फॉरेन सेटलमेंट के योग बने हुए हैं लाइफ में। यहाँ से ये दोनों लाइनें जो हैं यहाँ से इंडिकेट कर रही है। ठीक है, उसके पहले क्या, उसके पहले आपको यहाँ पर दिखेगा कि लाइन यहाँ से ब्रेक हुई है। देखिए यहाँ से एक लाइन आपको ब्रेक होती हुई दिखेगी, जीवन रेखा ब्रेक हो रही है, लेकिन उसके बाद ये मंगल रेखा भी काफ़ी चल रही है, इसने इनको सपोर्ट दिया है। और ये जो एज बन रही है, कम से कम जो है अभी की जो 1 से 1.5 साल की एज बन रही है, उससे आप बाद की एज मान सकते हैं, 30 से 32 की एज मान सकते हैं या 30 से 33 की एज मान सकते हैं, या फिर उससे 1-2 साल पहले आप लगा सकते हैं। एक बीमारी इनको परेशान कर सकती है, कोई गंभीर बीमारी हेल्थ पे जो खतरा बने वो परेशान कर सकते हो, कि यहाँ से जो है लाइनें थोड़ी डबल हो रही हैं, थोड़ी जो मतलब लाइफ का जो फ्लो है वो कम हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं इसकी लाइन की जो थिकनेस है वो कम हो रही है। ठीक है, तो इसके बाद कोई ऐसा रोग शायद आपको लग सकता है, उससे आप थोड़ा सा आपको बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि लाइन थोड़ा सा शैलो हो रही है, फिर डबल होकर चल रही है, तो कोई ऐसी बीमारी जो है काफ़ी लंबे टाइम तक आपको परेशान कर सकती है, ये नज़र आ रहा है। लेकिन प्रोग्रेस लाइनें भी हैं, देखिए यहाँ से देखिए एक ये प्रोग्रेस लाइनें हुई, ये तो कुल मिला के इन्होंने प्रोग्रेस कर ली है, क्योंकि ये जो ये प्रोग्रेस लाइनें दो बन रही हैं ये 25 के आस ही बन रही हैं या फिर 28 के आसपास ही बन रही हैं, तो कुल मिला के इन्होंने जीवन में वो तरक्की जो है, वो मुकाम जो है कह सकते हैं कि हासिल करने के योग बढ़ चुके हैं, या फिर हासिल उन्होंने कर लिया, या फिर कह सकते हैं कि इस एज में काफ़ी बड़ा इनको कह सकते हैं तरक्की मिली है। ये जो एज बन रही है, जैसे इन्होंने एज बताई 29, उसके आसपास ही लाइनें बन रही हैं। ठीक है, उससे 1-1.5 साल पहले की लाइनें हैं। ठीक है, लेकिन आपको हेल्थ के वाइज जो है थोड़ा सा सचेत रहने की ज़रूरत है। फॉरेन ट्रैवलिंग भी हाथ में नज़र आ रही है, फॉरेन सेटलमेंट के योग भी हैं, लेकिन हेल्थ वाइज आपको थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं इनकी भाग्य रेखा को। भाग्य रेखा क्या शो कर रही है, भाग्य रेखा का जो आगमन है, देखिए पहले तो यहाँ से शुरू हुई है भाग्य रेखा। ठीक है, यहाँ शुरू हुई और ये क्या हो रहा है, यहाँ से ब्रेक हो गई है, यहाँ से ब्रेक हुई है और एक अलग भाग्य रेखा जो है इनके चंद्र पर्वत से स्टार्ट हो रही है। तो ये भी योग है कि कोई बाहर का व्यक्ति जो है इनको सपोर्ट करे, उसकी वजह से ये तरक्की करे। इसके चांसेस पहले तो है कि बाहर का व्यक्ति इनको सपोर्ट करेगा, दूसरी के चांस है कि फॉरेन चली जाए या फॉरेन सेटलमेंट हो जाए, उसमें तरक्की हो जाए। तीसरा हो सकता है लव मैरिज हो जाए, विवाह के बाद जो है भाग्योदय हो जाए, बहुत ज़्यादा भाग्योदय हो, कोई व्यक्ति इनके साथ जुड़े जो तरक्की करवा दे। ठीक है, ये नज़र आ रहा है। लेकिन उसके बाद जब ये भाग्य रेखा इनके चंद्र पर्वत से स्टार्ट हुई है, काफ़ी ही तरक्की है यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक्चुअल में जो ग्रोथ है आपको यहाँ पर 29 के बाद ही दिख रही है।
मतलब जो आने वाला ये पीरियड है इनका, जो अभी इनकी एज 29 चल रही है, जो ये आने वाला पीरियड है आपका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। अब जो है आप ऊंचाइयों पे ही जाएंगी, नीचे नहीं गिरने वाली। जो आपका तकलीफ और दुख का जो समय है, जो स्ट्रगल का समय है, वो चला गया। अब यहाँ पर आपकी तरक्की है आपको देखने को मिल रहा है। हल्का सा एक हर्डल यहाँ पर नज़र आएगा, ये जो एज बन रही है कम से कम 37 से 38 की एज बन रही है, लेकिन उसके बाद कोई ऐसे इशू यहाँ पर हाथ में नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिला के जीवन में अच्छा समय यहाँ पर आने वाला है। अगर मैं ये देखिए, जैसे मैंने कहा ना, लव मैरिज चांस हाथ में बने हुए यहाँ पर भी दिखा था मुझे, यहाँ पर भी कुछ इंडिकेशन हाथ में नज़र आ रहे हैं, तो शायद हो जाए। अगर मैरिज नहीं हुई है तो लव मैरिज हो जाए, लेकिन उसके लिए और भी लाइनें होती हैं। ठीक है, उनके लिए विवाह रेखा भी देखनी पड़ती है, वो भी देखेंगे हम। चलिए आगे हम मस्तिष्क रेखा को देखते हैं, माइंड लाइन क्या बता रही है। माइंड लाइन देखिए आप, बिल्कुल स्ट्रेट है, कोई ना डिक्लाइन है ना बिल्कुल स्ट्रेट है। इस पर कोई दिक्कतें नहीं है, हल्की सी दिक्कतें हैं वो पहले थी, पर जिसके आसपास जो है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस माइंड में था, थोड़ा मेंटली जो है कह सकते हैं कि वो प्रेशर था दिमाग पर, कोई बोझ था, हम कह सकते हैं परेशानियां थी, लेकिन उसके बाद कोई लाइन ऐसी नज़र नहीं आ रही, तो इसमें ऐसा कोई दोष नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, बचपन में बीमारियां वगैरह झेली है इन्होंने, वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे इनके हृदय रेखा को अगर देखें हम, हृदय रेखा में कुछ दिक्कतें नज़र आएंगी आपको। जैसे यहाँ पर इनके लाइफ लाइन में नज़र आई थी, तो उसी एज में जो है कुछ हृदय रेखा के संबंधित परेशानियाँ आपको नज़र आएंगी, क्योंकि यहाँ से हृदय रेखा टूट रही है। ठीक है, लेकिन इसके साथ एक लाइन इसको कवर कर रही है और इसके साथ आगे लाइन बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ से हृदय रेखा टूटी है। जैसे यहाँ पर नज़र आया था ना, इस एज में कम से कम ये एज बन रही थी, जो स्टार्टिंग से एज बन रही थी, उसी एज में यहाँ पर हृदय रेखा भी टूटी हुई है। तो बिल्कुल ये कन्फर्म है कि हेल्थ रिलेटेड जो है प्रॉब्लम आएंगी आएंगी। ठीक है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी आएंगी और ये नज़र आ रहा है। तो इससे इसको आप थोड़ा सा जो है हमेशा कुछ ना कुछ जो है चेकअप वगैरह करवाते रहिए आप, क्योंकि कोई भी ऐसा रोग निकल सकता है अचानक से और ये नज़र आ रहा है। ठीक है, तो हेल्थ वाइज हाँ थोड़ा सा नेगेटिव है, हेल्थ वाइज थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, ये नज़र आ रहा है आपको। भले ही मान लीजिए कि आपको कोई बीमारी नज़र नहीं आ रही या फिर कहीं नज़र नहीं आ रहा, अचानक से कोई बीमारी ऐसी पकड़ लेगी, ठीक है, ऐसा रोग पकड़ लेगा जो मालूम ही ना हो। ठीक है, तो ये नज़र आ रहा है। ठीक है, हेल्थ वाइज आपको सचेत रहने की ज़रूरत है और यहाँ से वो चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन उसके बाद लाइनें ठीक हो रही हैं। तो ये प्रॉब्लम में रहेंगी जीवन भर, लेकिन उसके बाद लाइनें ठीक हो रही हैं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इमोशन, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वालिटी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो और कोई दिक्कत यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है हेल्थ में। हेल्थ वाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है हमेशा रहेगी जीवन में, ऐसा नहीं कि वो टल जाएगी, हमेशा रहेगी, लेकिन ग्रोथ वाला हाथ है। और चलिए आगे हम दिन की मैरिज लाइन को देखते हैं। मैरिज की पिक्चर्स ये रही। ठीक है, मैरिज रेखा आपको यहाँ पर दिखेगी, देखिए इस शेप में आपको दिख रही है। पहले तो एक सिंगल लाइन आपको दिखेगी, ठीक है, वहाँ से एक लाइन और यहाँ पर जुड़ती हुई दिखेगी, ये ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो ये तो मैरिज लाइन तो एक्चुअल में इनकी ये रही। और जैसे मैंने आपको बताया था कि मैरिज जो है ठीक ठाक रहेगी, एवरेज रहेगी, ऐसा कोई चेंज यहाँ पर नहीं होने वाला है। और इस एज में देखिए आपको यहाँ पर भी कुछ कंडीशन नज़र आ रही है। देखिए पहले तो यहाँ पर एक मैरिज लाइन है, ठीक है, एक रेखा बाहर से आकर यहाँ पर एक जुड़ने का प्रयास कर रही है, तो वही इंडिकेशन हाथ में नज़र आ रहे हैं कि शायद लव मैरिज हो जाए। ठीक है, लव मैरिज के इंडिकेशन हाथ में नज़र आ रहे हैं पूरे तो पूरे। ठीक है, या फिर शायद मेन की मैरिज हुई है, हमें पूरे मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैरिज लाइन की जो कंडीशन बन रही है तो ये इसी की एज बन रही है, इसी एज में बन रही है कम से कम। ये जो है 29 से 30 की एज में आसपास से बन रही है। ठीक है, और लाइनें उसके बाद डबल हो रही हैं, उसके बाद सपोर्टिव लाइन भी चल रही है, तो कुल मिला के मैरिज लाइन तो यही इसको मानेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के मैरिज की कंडीशन हाथ में वो चीज़ें नज़र आ रही हैं, लव मैरिज के चांसेस भी हाथ में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक बात इनके हाथ में नज़र आई, जब मैरिज हुई है या फिर नहीं हुई है, मैरिज के बाद ही ग्रोथ देखने को आ रही है, कि मैरिज के बाद ही इनकी जीवन में वो ग्रोथ देखने को मिली है। ठीक है, शायद मैरिज हो गई है, अगर नहीं भी हुई है तो मैरिज के बाद ही ग्रोथ देखने को आ रही है। ठीक है, क्योंकि लाइन जो है वो पहले भी है, यहाँ से देखिए ये जो कंडीशन बन रही है ये तो 25 के आसपास बन रही है,
ठीक है, लेकिन एक और लाइन के साथ जुड़ी है, तो वही कंडीशन बता रहा हूँ कि वो अट्रैक्शन वो दिख रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के हाथ में ये नज़र आ रहा है कि विवाह ठीक रहेगा, एवरेज रहेगा, कुछ ज़्यादा यहाँ पर चेंज नहीं है, लेकिन चीज़ें इनके लिए अच्छी होंगी। ठीक है, ये भी शायद इनकी ही रेखा है, अगर वो लाइन पिक्चर नहीं थी, यहाँ से आपको यहाँ पर एक क्रॉस भी दिखेगा, ये इसको भी यहाँ पर हम बता सकते हैं विवाहिक जीवन यहाँ पर ठीक ठाक रहेगा, लव मैरिज के इंडिकेशन को ये भी व्यक्त करता है। ठीक है, तो कुल मिला के हाथ में प्रोग्रेस है, जीवन तरक्की जो है 30 के बाद यहाँ पर बहुत अच्छी दिखेगी, 30 के बाद कोई कमी नहीं रहेगी रहने वाली, लेकिन हेल्थ वाइज आप थोड़ा सा ध्यान रखें, कोई भी बीमारी वगैरह आपको लग सकती है। ठीक है, इसको शेयर करें इस वीडियो को, और अपने हाथ को पढ़वाने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़ें। थैंक यू वेरी मच।